हाय, दिस इज प्रतीक चौधरी एंड वी आर गोना डू माय फर्स्ट सेगमेंट विद टेली बाइट्स। सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर टेलीविजन अपडेट्स। फर्स्ट जॉब मैंने एक्चुअली कभी जॉब नहीं किया है। ऑब्वियसली आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, सो डैड मतलब ग्रेजुएशन के बाद मैंने डैड के साथ बिजनेस ज्वाइन किया था। मेरे हिसाब से हाँ एक्टिंग में ही मिला था, क्योंकि डैड से तो कभी चेक वेक कुछ मिला नहीं है। सो हाँ बिजनेस, सॉरी मैं बिजनेस था, तो बिजनेस में होंगे 10,000, 15,000, 20,000। कॉलेज टाइम पे गया था, क्योंकि मेरे दोस्त फोटोग्राफर्स थे कॉलेज में, और उनके उनको अपने काम के लिए कोई मॉडल या कुछ चाहिए था, तो मैं मॉडल तो नहीं था वो टाइम पे, बट एक डिसेंट लड़का उन्हें चाहिए था, तो मैं भी कॉलेज टाइम। फर्स्ट सेलिब्रिटी मोमेंट आई थिंक सो जॉन अब्राहम। मैं एक टाइम बांद्रा जा रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ, और उसकी भी गाड़ी पास हुई थी, सो मैं उनका फ़ैन हूँ, सो मैंने उनको फॉलो किया था उनके घर तक, और फिर उधर जाके एक पिक्चर क्लिक किया था उनके साथ। आफ्टर स्कूल और मे बी इन स्कूल आउट ऑफ इंडिया दुबई। हाँ, 2019 लॉकडाउन के पहले, और फिर लॉकडाउन के बाद तो टाइम ही नहीं मिला किधर ट्रैवल करने का, सिर्फ काम किए जा रहे। अभी तक वो फीलिंग नहीं आती है, सच बताओ। मतलब हाँ, मतलब फैंस ये सब मैसेज भेजते, गिफ्ट्स भेजते, बट वो जो एक मतलब मंजिल अभी बहुत दूर है। फर्स्ट ऑडिशन मैंने माइथो के लिए दिया था, और जो परमावता श्री कृष्णा जो मैंने शो किया था वही मैंने क्रैक कर लिया था। स्कूल टाइम पे मिला था, आई थिंक सो नोकिया, वो टाइम पे नोकिया बहुत चलता था, तो नोकिया एक एंगेज करके एक मोबाइल आता था जिसमें गेम्स के लिए वो बहुत अच्छा होता था, तो वो अच्छा होता था। फर्स्ट पर्सन फॉलो याद नहीं आ रहा है, फर्स्ट किसको फॉलो किया था, आई थिंक सो फैमिली में से कोई होगा या बेस्ट फ्रेंड रवीश, आई थिंक सो, जो मेरा 15, 17, 18 साल पुराना दोस्त है। क्लब कॉलेज डेज में अपने फ्रेंड्स के साथ 2012, 11, 13। एडवेंचरस एक्टिविटी ऐसे बहुत सारे, बट अभी कुछ याद नहीं आ रहे, बट एडवेंचरस क्या ही बोलूँ, याद नहीं आ रहा। रवीश स्कूल टाइम हाँ, मैं जब छोटा था स्कूल टाइम पे ही, तब से ही कुछ ना कुछ बनाता था। मुझे तो ये भी लगता था मैं आगे जाके यू नो लाइक शेफ बनूंगा या होटल मैनेजमेंट ये सब करूंगा, इनफैक्ट करना भी था। बचपन से हमेशा मेरे चॉइसेस थोड़े बदलते रहे, ऐसा फिक्स नहीं, बचपन में कभी नहीं सोचा था कि मैं एक्टर बनूंगा। सो हाँ, जब छोटा था तब मैंने किचन में कुछ बहुत सारी चीज़ें बनाई। तो अभी कौन सी डिश सबसे अच्छी बना लेते हैं? अभी मैं कुछ और ही बनाता नहीं, मैं कुछ नहीं बनाता अभी, अभी एक्चुअली टाइम नहीं मिलता है। बट अभी मुझे लोग मेले बनाए वो मुझे बहुत मज़ा आता है, तो मैं लोगों को मॉम को बोलता रहता हूँ ये बनाओ वो बनाओ, और बस इन्जॉय करता हूँ खाना। i20 जो मैं अभी भी यूज़ कर रहा हूँ देखते हैं इसके बाद क्या लेते हैं, बट इंडिया के हिसाब से यही सही है यार, इतने खड्डे वड्डे, कल को बड़ी गाड़ी लूँ और फिर यू नो। सो फर्स्ट तो फिर वही हो गया यार, जब छोटे बच्चे अच्छे होंगे तो मे बी कोई जूनियर सीनियर में कोई जो बच्ची होगी उसके ऊपर ही हुआ होगा। तो आपको किस पे हुआ था? अभी वो लोग के नाम तो पता नहीं, तो वो टाइम पे खुद के ही नाम याद नहीं रहता है, या टीचर भी हो सकती है मे बी, यू नेवर नो। ऑडियंस को ये कहूँगा कि आप लोग सिंदूर की कीमत को जितना प्यार दे रहे हो, प्लीज़ आप लोग इतना ही प्यार देते रहना, और मुझे भी जितना प्यार आप लोग दे रहे हो ऐसे ही देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, और हम लोग आपको बहुत एंटरटेन करेंगे।